Now finally I'm going to share the good news with you all. I'm so very much excited to share this news. Oh my god, मैं इतनी ज्यादा excited, इतनी ज्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती. मेरे गालों में दर्द हो रहा है. Congratulations. Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing great. मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है. और बल्कि ठीक ही नहीं, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. बहुत ज़्यादा आज मैं हैप्पी हूँ. मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मेरा खुशी का लेवल कितना ज़्यादा है. गाइज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और मैं खुश क्यों हूँ वह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. उसके लिए आपको व्लॉग लास्ट तक देखना पड़ेगा. एक न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ और अपने घर वालों के साथ शेयर करनी है, सबके साथ शेयर करनी है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए. लेकिन उससे पहले मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं ऐसे ही ये गुड न्यूज़ सबको ऐसे नहीं सुनाऊंगी. कुछ स्पेशल बनता है, कुछ करूंगी और उसके बाद एंड में मैं सबको बताऊंगी. लेकिन मामा लोग को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो गुड न्यूज़, और फिर हम सब मिलके उनका रिएक्शन एक साथ देखेंगे. बहुत मज़ा आएगा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक चीज़ है जो पूरी हुई है, मैं बहुत 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 खुश हूँ. तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. और अभी मैं जैनी को बोलूंगी मेरे साथ केक लेने चलो, क्योंकि जो गुड न्यूज है मीठे के बगैर तो बनता ही नहीं है ना, तो मीठा तो होना जरूरी है. तो मैं केक लेने के लिए अभी जा रही हूँ जैनी को अपने साथ ले के. उसको नहीं पता कि हम केक लेने क्यों जा रहे हैं या क्या प्लान है मेरा, उसको कुछ नहीं पता. तो अभी चलते हैं और आप लोग ब्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा. ये बहुत मजे का ब्लॉग होने वाला है. हेलो जैनी. हाय. ओ, मुझे ना बाहर जाना है, बेकरी पे जाना है केक लेने. बर्थडे किसी का नहीं है, एक न्यूज़ है जो मैंने तुम लोग को सुनानी है. न्यूज़? हाँ. किससे रिलेटेड? बस है, पूरा नहीं बताऊंगी, रिलेटेड है. नहीं ना, चल मेरा प्लान नहीं फ्लॉप कर. पहले बताओ क्या न्यूज़ है. बताती हूँ. कुछ मीठे के साथ न्यूज़ बताई जाएगी, केक के साथ बताऊंगी. तो चलो ना केक लेकर आते हैं. सुन, केक ला रही हूँ, तेरा फेवरेट. एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन साथ-साथ ये भी हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या न्यूज़ है. न्यूज़ क्या है बताऊंगी, फिर मैंने किसी को नहीं बताया, सबको एक साथ बताऊंगी. चल तो सही, मजा आएगा. जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और आई थिंक जैनी भी बाहर रेडी हो गई है. सो गाइस, प्लान ये है कि बेकरी तो जाना ही है, केक लेने तो जाना है. लेकिन बेकरी जाने से पहले मैं जैनी को मॉल लेके जा रही हूँ, और वहाँ पे मैं जैनी, लॉयड और मामा के लिए गिफ्ट्स खरीदूंगी. तो मेरा प्लान ये है कि मैं इनको गिफ्ट्स दूंगी, केक खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं गुड न्यूज़ शेयर करूंगी, पहले आपके साथ और फिर इन लोगों के साथ. तो अभी जैनी को नहीं पता कि हमारा मॉल का प्लान भी है, वो तो समझ रही है केक लेने जाना है. लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इनको गिफ्ट्स भी ज़रूर दिलाऊंगी, और मैं बहुत खुश हूँ जिसकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ. सो अभी चलते हैं और जैनी को बताते हैं कि मॉल जाना है. तो अभी जैनी का रिएक्शन देखते हैं. सो चलें. चलो. अच्छा, वो मॉल भी जाना है. मॉल? मॉल क्यों? कुछ खरीदना है. मॉल से क्या खरीदना है यार? मुझे बताओ, मुझे सबका बच्चा है बर्थडे. मामा का भी टाइम है, लॉयड का हो गया है. हाँ. मेरा भी अभी बहुत टाइम है. तेरा तो बहुत ही नहीं, दिसंबर है, फिर भी टाइम. हाँ, है टाइम है. मछलियों का बर्थडे मनाने लगी. चलो मॉल. हाँ चलो. आ रहे मामा. मॉल पहुंचे तो मॉल क्लोज हो गया था, हमें टाइमिंग्स नहीं पता थे, इसलिए फिर हम डायरेक्ट बेकरी चले गए. अभी हम आए गाइस बेकरी पे केक लेने. सो गाइस, मैं ये इस पे लिखवा रही हूँ, और जैनी को नहीं पता, जैनी उस तरफ है. पता नहीं क्या कर रही है, क्या देख रही है, क्या लिखवाया है, जाके बताऊंगी. बेकरी से निकलते ही सामने रोड क्रॉस करके मैकडॉनल्ड्स था, तो मैं जैनी को मैकडॉनल्ड्स ले गई. इसका दिल भी कर रहा था मैकडॉनल्ड्स खाने का. सो वहाँ ले जाके मैंने इसको ट्रीट दी, और मैंने इसको ट्रीट क्यों दी वो इसी व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊंगी. सो यहाँ पे जैनी डील सेलेक्ट कर रही है कि कौन सी मंगवानी चाहिए, और यहाँ मैडम की खुशी देखें. और यहाँ ये मुझसे पूछ रही है, अब तो बता दो क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है. तो मैंने इसको बोला घर जाके बताऊंगी. गाइस, हम लोग अभी अभी आ गए हैं, मैं और जैनी केक लेके, और मॉल गए थे तो मॉल बंद था. जो मैं चाह रही थी सरप्राइज देना वो हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग लेट गए थे, मॉल बंद हो चुका था. तो मॉल का प्लान मैं कल रखूंगी, जाऊंगी जरूर मैं, तो मॉल का प्लान मैं कल रखूंगी. सो फिलहाल मैं अभी कपड़े चेंज करती हूँ, और कपड़े चेंज करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है. जी गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर द गुड न्यूज़ विद यू ऑल. आई एम सो वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यूज़. मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस. सो गाइस, द गुड न्यूज़ इज़ मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ गई है. यस जी गाइस, तो मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ गई है आज.
आज सुबह ही आई थी, तो मैं सुबह से इतनी ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली 5 दिन पहले मुझे ईमेल आया था यूट्यूब की तरफ से कि आपकी पेमेंट जो है वहाँ से भेज दी गई है, लेकिन 5 वर्किंग डेज में वो आप तक पहुँच जाएगी, आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो गाइज, आज सुबह जो है मुझे बैंक से कन्फर्मेशन कॉल आई थी, और उसके थोड़ी ही देर बाद दोपहर में मेरे बैंक में पैसे आ गए थे, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई थी। ओह माई गॉड, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती, मेरे गालों में दर्द हो रहा है। सो मैंने सोचा कि अभी मैं ये सबसे पहले न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उसके बाद हम लोग सब मिल के मामा लॉयड और जैनी से ये गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, और फिर उनका रिएक्शन देखते हैं। केक में लेकर आ गई हूँ, अभी चलते हैं बताते हैं सब। और जैनी का भाई भी आया हुआ है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तो उसको भी नहीं पता, तो अभी चलते हैं और सबको बताते हैं। सो क्या हो रहा है गाइस? लूडो। लूडो खेलो। कौन जीत रहा है? अच्छा, जैनी जीतेगी। चीटिंग करके सबको पता चल, चीटिंग करके जीतेगी। हाय बबलू। हाय। अच्छा थोड़ी देर गेम तो स्टॉप करो, मुझे कुछ बताना है। क्या? जिस रीजन की वजह से केक आया है वो रीजन ये है। ये तो बताओ। केक। बबलू गैस कर। सब्सक्राइबर्स बढ़े आपकी से या किसी की बर्थडे? नहीं, तुम लोग भी नहीं गैस कर पाओगे। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। गुड न्यूज ये है कि आज सुबह जो है दोपहर में मेरे YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। केक फ्रिज में है, केक अभी निकालते हैं ना। अच्छा मुझे थोड़ा शक हो रहा था, बेकरी पे जब आती मुझे कह रही है जाओ उधर देख क्या लेना है, जब मैंने कहा मुझे क्रॉसेंट्स लेने हैं, तो चलो मैं क्रॉसेंट्स देख लूँ ना। अभी केक पे आएगी, आप लिखवा रहे थे ना? हाँ, निकाल के दिखाते हैं। मामा गुड न्यूज शेयर करनी थी, जो मैंने करनी थी ना आपके साथ, जो जिसकी वजह से ये केक आया। हाँ। वो गुड न्यूज ये है कि मेरी ना यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई आज सुबह। आज सुबह आई थी तो केक इस खुशी में। हाँ, केक इस खुशी में। तो मैं अब खिलाऊंगी ना, खोल रही हूँ। चैनी निकाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट। और बबलू फिर कैसा लग रहा है मेरी फर्स्ट पेमेंट का केक खा के? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी फर्स्ट पेमेंट आई यूट्यूब पे। दुआ करना सेकंड भी जल्दी आ जाए। सेकंड भी आएगी, जल्दी आएगी। ट्रीट तो बनती है। हाँ हाँ, ट्रीट तो मैं पक्का दूंगी। क्यों लड़ रही है बताओ? हाँ, ट्रीट बनती है। ट्रीट चाहिए? मेरी ट्रीट तो हो गई है। उसको नहीं लेके जाएंगे, घर पे छोड़ के जाएंगे। नहीं नहीं, जैनी को वैसे भी काफी दिन से मैकडोनल्ड के बर्गर की क्रेविंग्स हो रही थी ना, और आज हम जब गए तो फिर हमने कहा चलो खाएंगे। भाई ट्रीट तो मैं दूंगी सबको, है ना मामा? आपको भी चाहिए ट्रीट? चाहिए। क्या चाहिए आपको ट्रीट में? जो भी दे दो। अच्छा जी गाइस, तो हमने केक शेक खा लिया है और बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, इस वक्त रात के 2 बजे हैं, और मैं अपने रूम में आ गई हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और बाकी भी सब अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए। सो गाइस, जैसे आपको पता है मैंने आज प्लान किया था, मुझे इनको सरप्राइज देना था कि मैं इन लोगों के लिए गिफ्ट्स लूंगी, लेकिन मेरा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। जब हम मॉल पहुंचे थे तो मॉल बंद हो चुका था, सो इसलिए मैं आज कुछ ले नहीं सकी, लेकिन कल मैं डेफिनेटली मॉल दोबारा जाऊंगी, और जाना तो मुझे है, और मैंने इन लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं क्योंकि इन लोगों का हक बनता है, इनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। सो मैंने इन सब के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट से मुझे बहुत खुशी होगी, मैं इन लोगों को कुछ लेके दूंगी। और जैनी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो तो गया, पहले उसको नहीं पता था कि हमने मॉल क्यों जाना है, वो मुझसे बार बार पूछ रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसको पता चल गया है। सो कल हम चलेंगे मॉल, अभी मैं करती हूँ अपना यूट्यूब का कुछ काम और आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। Hey everyone, it's next day, next evening. So finally, आज मैं और जैनी दोबारा जा रहे हैं मॉल, और आज मैं टाइम से जा रही हूँ, जैसे ही ट्यूशन से फ्री हुई हूँ तो बस हम लोग जल्दी से रेडी हो गए, और अभी हम मॉल के लिए निकल रहे हैं सबके लिए गिफ्ट्स लेने। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो चलते हैं। चले चलो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं मॉल, और अभी मैं गिफ्ट्स ले रही हूँ और जैनी के लिए भी लूँगी। क्या लेना है जो बोलो, मैं क्या बोलूँ, आप बोलो आपने लेना है। कुछ भी लेकर फर्स्ट पेमेंट है, कुछ भी लेकर। तो अभी देखते हैं इसको क्या पसंद आता है, और फिर मामा और लॉयड के लिए भी लेंगे और फिर घर चलेंगे। तो अभी तो हम मॉल में एंटर हुए हैं, फिर अभी ले। आई एम एक्साइटेड। सो गाइज, मैंने मॉल से ही अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट निकाली शॉपिंग से पहले, और ये मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए, और ये रही मेरी फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग, ये। सो
सो अभी हम आ गए हैं लॉयड की शॉपिंग के लिए, तो यहाँ देख रहे हैं उसके लिए क्या लें, उसको क्या पसंद आएगा। गाइस हमने लॉयड के लिए ले लिया है और अभी बस जैनी और मामा का रहता है, तो आपको पता है लेडीज़ तो टाइम लगाती है तो हमने लॉयड का लेके लॉयड को फारिग किया है, तो अभी बस जैनी और मामा का लेना। सो गाइस मुझे मामा के लिए एक अच्छा सा बैग चाहिए था, तो हम आए वॉकीज़। यहाँ पे बहुत अच्छी बैग की कलेक्शन थी, मैंने जैनी से पूछा अगर आपको चाहिए तो आप भी ले लो, लेकिन मैडम की कुछ और डिमांड थी गिफ्ट की, सो फिर मैंने एक ही बैग ले लिया मामा के लिए। तो जब हम घर जाएंगे और मामा अपना गिफ्ट खोलेंगे फिर आप देखिएगा। सो अब बारी है जैनी मैडम की। जैनी चलो ले लो फिर, क्या लेना है? कुर्ती, कौन सी अच्छी लगी? सो मैडम ने बोला मैं एंड में लूँगी अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, तो ये कुर्ती सिलेक्ट करी थी, तो अचानक इसकी नज़र उसी कुर्ती में पड़ी जो इसने पहनी हुई थी। सो गाइस यहाँ मैं ट्रायल रूम में आई हूँ छुप छुप के वीडियो बनाने, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। लॉयड और मामा का ले लिया है, बस जैनी ट्राई कर रही है अपना, वो ट्रायल रूम में है जैनी, तो वो ले ले, उसके बाद में घर चलते हैं। सबके गिफ्ट्स हो गए, ये हो गया, ले लिया, चलें चलें। गाइस हम लोग आ गए शॉपिंग करके। सो गाइस देयर आर द गिफ्ट्स। सो ये मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है, सो फर्स्ट पेमेंट की खुशी में मैंने सबके लिए छोटा छोटा एक गिफ्ट लिया अपनी फर्स्ट पेमेंट से। सो ये लॉयड का और ये जैनी का, जो कि मैं अपनी पसंद से लाई हूं। हां जैनी अपनी पसंद से लाई, और ये मामा का। तो खोलो। मैं सोचा प्रैंक कर रही है। प्रैंक नहीं कर रही हूँ, रियल में गिफ्ट लाई हूँ। खोलो। अच्छी लगी? ऐसे दिखा सकते क्या मैं? लॉयड के लिए गाइस ये ब्लू टी शर्ट ली थी, और मामा के लिए बैग। नाइस ना, खोल के देखो ना अंदर, देखो कैसे हो जैनी का, और मैं पहन के दिखाऊंगी। अभी नहीं, लेकिन जब मैं पहनूंगी तब बताऊंगी। अच्छा हाँ, जैनी कह रही है मैं पहन के दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी ना फिर दिखाऊंगी। अच्छा जबरदस्त। सो गाइस जैनी ने जो है मेरे लिए कुछ किया है, तो मैंने आपके लिए स्पेशल फूड बनाया, चाउमिन। ये देखें, ये जैनी ने बनाया है और अभी हम सब बैठ के खा रहे हैं। छोटी सी सेलिब्रेशन है, I hope you like it. I like this very much. लेकिन मेरी पार्टी का मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, पक्का है, मैं पार्टी जरूर दूंगी। और लॉयड इस वक्त पूरी कोशिश में है कि फैन ऑन हो जाए, क्योंकि फैन ऑफ है और गर्मी लग रही है। सो लॉयड आपको पार्टी में क्या चाहिए? एक मिनट फैन ही ऑन कर। क्या पूरी प्लानिंग करेगा पहले रात को, क्या करना है, और वो फिर आपसे बोलेगा कि ये चाहिए। चलो सही है, अभी तो इसके लिए थैंक यू सो मच जैनी। तो अभी खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है, लग रहा अच्छा है। बहुत अच्छा है जैनी, वेरी नाइस, थैंक यू। जी गाइस, सो फाइनली दो दिनों के बाद मैं इस ब्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो ख़राब हो गया था, शॉप पे गया था बनने के लिए, तो आज ही मेरा मोबाइल आया, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अपना ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ और ये ब्लॉग शेयर करूँ जल्द से जल्द, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 8 to 9 days का ऑलरेडी गैप आ गया है, सो उसके लिए सॉरी ब्लॉग लेट हो गया है। मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे साथ सब लोग खुश हैं, सबके मजे हैं। सो गाइस बहुत बहुत खुशी हो रही है, और मैं दिल से आप सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स देखते हो, पसंद करते हो, आप लोग की वजह से मेरा चैनल इतना ग्रो हुआ है कि मुझे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मिली है, तो सबसे पहले आप लोग का थैंक यू। और दूसरा थैंक यू मैं करूँगी मामा का, क्योंकि मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है मामा ने, लॉयड ने, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, तो ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, इनकरेज करते थे, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आपने देखा कि गिफ्ट्स मैंने सबके लिए खरीदे, क्योंकि आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग में जो भी चेहरे आपको देखते हैं, तो ये सारे ही जो है गिफ्ट्स के हकदार हैं। लियोन भाभी रह गए हैं, उनके साथ भी ट्रीट शेयर करनी है, लेकिन यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे। जब यूट्यूब की ईमेल आई थी कि आपको हमने आपकी पेमेंट भेज दी है, तो 5 दिन में आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी, सो आफ्टर 5 days मुझे बैंक से कॉल आया कि आपकी पेमेंट आई है यूट्यूब की तरफ से। मैंने कहा जी सर बिल्कुल आई है। सो उन्होंने कहा कि हमें एक रिसिप्ट चाहिए,
तो वो रिसिप्ट आप हमें दे दो, उसमें जो है आपकी सारी डिटेल होगी, आपका नाम वेजिटेरियाना है, इतने इतने डॉलर्स आए हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो आप रिसिप्ट हमें देंगी तो हम आपके बैंक में वो बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उनको नहीं पता था वो रिसिप्ट कहाँ से मिलनी है, क्योंकि वो तो यूट्यूबर नहीं थे, वो तो मैनेजर थे बैंक के, और मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे पता नहीं था वो रिसिप्ट कहाँ से मिलनी है। तो हम दोनों जो है वो बैंक चले गए, और वहाँ क्या हुआ था? और वहाँ ये हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक इन्वायरमेंट हमारे घर में उस दिन क्रिएट हो गया था, क्योंकि जाहिर है हम सभी परेशान थे, क्योंकि बिजीवादी परेशान थी। फिर बस हम बैंक गए, बैंक वालों ने हमें इतना कोई सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज उनका कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं था, वो तो यही कहते आप यूट्यूब से ही कॉन्टैक्ट करें। रोने वाली हो रही थी बिल्कुल, इवन बैंक में इनके आंसू जो है ना वो आंखों में आ रहे थे। मैंने कहा चलो हम घर चलते हैं, घर जाके डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हमने घर आके भी इवन फिर से हमने अप्रोच किया बैंक के जो मैनेजर है उनको, उनको कॉल्स की, उन्होंने हमें थोड़ा फिर भी गाइड किया कि मतलब आप यूट्यूब से ही करें जो भी करना है। तो ये है कि शाम तक बड़ा टेंशन वाला माहौल था, और हुआ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद रात में मैं बहुत परेशान थी, मेरा बीपी इतना लो हो गया था, ये मुझे कह रही थी टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं, पेमेंट आ जाएगी। मैंने कहा इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ इतने टाइम से, और जब पेमेंट का वक्त आया है तो मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो मैंने ना इस परेशानी में उस दिन मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था। मेरे नेफ्यू का जो एंगेजमेंट वाला व्लॉग है वो उस दिन मुझे अपलोड करना था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। खैर फिर सुबह के 3 बजे मैंने यूट्यूब की टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि मेरा बैंक में जो है वो मुझसे रिसिप्ट मांग रहे हैं, वरना वो मुझे पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट वापस चली जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई। फाइनली मुझे सुबह के 4 बजे रिसिप्ट मिल गई थी, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खुशी किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये लोग तो सो रहे थे, सब सो रहे थे, और मैं इतनी खुश थी, मैं अकेली हंस रही थी, और खुशी में मैं रोई भी थी। स्ट्रेस जो है मेरा रिलीफ हो गया था कि शुक्र मेरे को जो है रिसिप्ट आ गई, तो अब पेमेंट भी आ जाएगी। फिर मैंने सुबह 9 बजे जो है अपने बैंक मैनेजर को वो रिसिप्ट ईमेल कर दी, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है 3-4 दिन में या 1 हफ्ते में आपके पैसे आ जाएंगे। मेरा यही माइंड था कि 1 हफ्ते में मेरे पैसे आएंगे, लेकिन आप यकीन करें उसी दिन दोपहर में या शाम में मेरी पेमेंट आ गई थी। जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें यूट्यूब की पेमेंट थी, और मैं इतनी 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 ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश थी, और अकेली अकेली हंस रही थी, इनको भी मैंने नहीं बताया था। फिर मैंने अपने माइंड में ये सारा सोचा कि इनको सरप्राइज दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, उसके बाद फिर आप लोग सब जानते हैं कि क्या कहानी हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है, जो मैं मेहनत कर रही थी उसका मुझे फल मिल गया है। और आप अपने घर वालों के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते, दूसरे लोग आपको जो भी चाहे बोले, जब आपका चैनल न्यू होता है तो लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे बोलते भी हैं कि छोड़ो टाइम वेस्ट कर रही है, ये है वो है, ऐसा होता है। लेकिन जब आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप में एक हिम्मत आ जाती है, और आप फिर वो चीज़ आगे लेके चलते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और बस देखें फिर मुझे पेमेंट मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, और दुआ करती हूँ कि नेक्स्ट पेमेंट भी जल्दी आए, जल्दी जल्दी मेहनत करो। हाँ, मेरी वीडियोस देखें प्लीज़, बहुत अच्छी पेमेंट आई है, मैंने सबको गिफ्ट्स दिलाए हैं, और अभी मैंने इनको डिनर कराना है, इनको ब्रेकफास्ट कराया था, ट्रीट भी मिल गई थी, और ब्रेकफास्ट वाला ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग है, इसने मेरे साथ क्या किया था वो आप उसमें देखना। और खुदा का शुक्र है कि सारे काम हो रहे हैं, ये यूट्यूब की पेमेंट से ही हो रहे हैं, तो खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी पेमेंट आई, ऐसे चिल्लर विल्लर नहीं आया, अच्छी पेमेंट आई है। सो गाइज, उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया है, सो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, प्रेस करेंगे तो मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मैं आपसे बहुत जल्द अपनी एक न्यू वीडियो में मिलूंगी, न्यू ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस तरीके से मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।